हे गाइस, आप सभी का आरके ब्लॉग में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सबका रक्षाबंधन बहुत ही अच्छा रहा होगा। इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार 30-31 में लोग कंफ्यूज हो गए। मुझे नहीं लगता भाई बहन के प्यार के लिए कोई शुभ या अशुभ समय होता होगा। अगर आप इन सब चीज़ों में मानते हैं तो मेरे को ज़रूर बताइएगा। फिलहाल हम ब्लॉग की बात करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये महाभृंगराज का पौधा है। मेरे घर के सामने ना, जहाँ नल से हम लोग पानी भरते हैं, वहाँ पर ये अच्छा खासा उगा है। एक्चुअली मैंने बीज वहाँ पर डाला हुआ था। मेरे जो घर के मेरे गांव के क्षेत्र में ये चीज़ पाई जाती है, बट हर जगह नहीं होता। कहीं कई जगह जैसे कुछ तालाब वगैरह के किनारे में या कहीं पानी वानी के किनारे में, मतलब थोड़ा सा कीचड़ वीचड़ टाइप जैसे जगह रहता है ना, तो वहाँ पे ये इजीली ये उगता है। देखिए इसकी पहचान ना ये है, आप अगर नहीं पहचानते होंगे, ये महाभृंगराज का ये फूल है। इसको आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये हार्ड सा होता है। और ये जो फ्लावर है ना, इसी में इसके बीज होते हैं। मैंने ना कई बार, जहाँ पे अभी मैं रहती हूँ, बेसिकली जब मैं घर गई थी तब मैंने ये वाला ब्लॉग शूट किया था, क्योंकि मैं ये वाला हेयर ऑयल घर में जाके प्रिपेयर करके यूज़ करती हूँ। जब भी मैं घर जाती हूँ कोई हेयर ऑयल मैं अपने साथ लेके नहीं जाती, तो ये वाला ना मैं वहाँ पे घर में यूज़ करती हूँ, इसी को मैंने शूट किया था। हो सकता है आपके इलाके में ये चीज़ मिल रही हो, अगर मिल रही है तो आप ट्राई करिएगा एक महीना, आपको डेफिनेटली इतना गजब का बेनिफिट दिखेगा ना, फिर आप खुद आके कमेंट में लिखोगे कि भाई इससे मेरे को मैजिक मेरे को फील हुआ। ये महाभृंगराज मेरे घर में उगता है, बट मैंने ना इसका फ्लावर, अभी मैं जहाँ रहती हूँ, मतलब मेरे घर के घर से बहुत दूर रहती हूँ मैं, तो यहाँ पे मैं रक्षाबंधन में गई हुई थी एक्चुअली, तो मैंने फिर ये वाला हेयर ऑयल प्रिपेयर किया था। और जब भी जहाँ पे मैं रहती हूँ यहाँ पे, मतलब कई बार मैंने इसका जो बीज है वो लाके यहाँ पे बीच मतलब मिट्टी में डाला था, बट उगा ही नहीं। मतलब पता नहीं, हो सकता है कि यहाँ का मिट्टी सूट नहीं करता हो। ये देखिए मेरे घर के सामने में जो है मेन रोड है, मेन रोड के सामने में मेरा घर है, तो यहाँ पे मतलब मेरे घर के सामने में ये वाला जो चीज़ है वो हुआ है। तो ये वाला जो महाभृंगराज है, आपको पता भी होगा जो इंदुलेखा वाला है उसमें काफ़ी ज़्यादा भृंगराज यूज़ किया जाता है, बट ये ताज़ा वाला है। इसको अगर जैसे मैं बता रही हूँ वैसे आप अगर यूज़ करेंगे ना, आपको महीने भर में आपके हेयर में विजिबल जो रिज़ल्ट है वो दिखेगा, और आप खुद आके मेरे को बताएंगे कि आपको कितना अच्छा बेनिफिट हुआ इससे। मेरी तबीयत फिर से ख़राब हो गया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रही थी। तो ये जो है ना, हर जगह पाया जाता है कि नहीं मेरे को नहीं पता, बट अगर ये आपके इलाके में अवेलेबल है, आपने पौधा अच्छे से देखा होगा, अगर आप पहचान गए होंगे तो बिल्कुल ढूंढिएगा, और मिल जाए तो ऐसे थोड़ा सा ले लीजिएगा। हमेशा निकाल के मत रखिएगा, कि आप बहुत सारा निकाल के फ्रिज में मत रखिएगा दोस्तों। ताज़ा मिलता है तो ताज़ा यूज़ करिएगा। इसमें मैं यूज़ करूँगी, जैसे भी मैं इसको यूज़ करूँगी अभी आपको बताऊँगी। और मैं एक हेयर ऑयल मैंने ऑर्डर किया था, मैंने अभी पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो मैंने बताया भी था कि मैं एक मैजिक हेयर ऑयल ऑर्डर की हूँ, अगर वो आएगा तो मैं वीडियो बनाऊँगी। पता नहीं दोस्तों, पहली बार ऐसा हुआ कि वो बोल रहे हैं कि आपके पिन कोड में अलाउड नहीं है करके, पता नहीं वो भी बोल रहे थे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, बिकॉज ऑल इंडिया डिलीवर उसमें दिख ही रहा था, और पता नहीं अभी उन्होंने बोला कि नहीं आ पाएगा। तो मैं देखती हूँ नेक्स्ट मंथ फिर से ऑर्डर करूँगी, अगर वो हेयर ऑयल आ गया और उसका कुछ अच्छा रिजल्ट आया तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी। फिलहाल इसके बारे में बता दूँ, ये वाला हेयर ऑयल मैं बहुत कम यूज़ कर पाती हूँ एक्चुअली, मेरे यहाँ उगता नहीं है। अगर उगता तो मैं बिल्कुल एक दो महीने यूज़ करके आपको कंप्लीट रिजल्ट दिखाती, बट जब भी मैं इसको घर जाके यूज़ करती हूँ ना, आई फील कि मेरे जो हेयर के लेंथ है, मतलब मैं पिछली बार एक महीना थी, मैंने इसको शायद 4 बार या 5 बार हाँ ऐसा ही कुछ यूज़ किया था, बट डेफिनेटली मेरे हेयर लेंथ काफ़ी अच्छे खासे इंक्रीज़ हुए थे। मतलब जितना नॉर्मली बढ़ता है बाल, उससे ज़्यादा ही बढ़ गए थे बाल। तो हेयर ग्रोथ तो इसमें बहुत ही अच्छा होता है जहाँ तक कि मेरे को पता है, और बहुत ज़्यादा भी नहीं उगा है उस हिसाब से, तो आप देख ही सकते हैं। तो फिर मैंने जितना भी मतलब थोड़ा बहुत मिल जाता है, मैं उसी को पूरा का पूरा यूज़ कर लेती हूँ। तो ये वाला अगर अवेलेबल है तो इसका हेयर ऑयल जैसे मैं अभी बता रही हूँ वैसे आप प्रिपेयर करिए, इसको वॉश करिए अच्छे से इसको तोड़ने के बाद में, और जो है इसका जो है हेयर ऑयल आप ट्राई करिए, और बिल्कुल एक महीने तक अगर मिल रहा है आपके वहाँ पर तो, अदरवाइज एक हेयर ऑयल मैं अभी और मंगवा रही हूँ, देखती हूँ अगर उसका रिजल्ट अच्छा हुआ तो। दोस्तों मेरे को भी ना इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है, बताओ मेरे घर में भी ना यहाँ वहाँ बाल बिखरे पड़े रहते हैं यार, हद हो गई है, पता है हद हो गई है। मतलब कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बालों का झड़ना कसम से यार, मतलब रुकता ही नहीं है। क्या प्रॉब्लम है, जब भी कुछ लगाती हूँ कुछ दिन के लिए फिर फ़र्क पड़ जाता है, नहीं लगाती हूँ फिर नहीं पड़ता है, क्या करूँ कुछ पता ही नहीं। खैर हो सकता है कुछ मिल जाए, तो इसको इस तरीके से आप खलबत्ता से कूट लीजिएगा। ये थोड़ा सा आपको मैश करना पड़ेगा इसको, या फिर आपको कूट के थोड़ा दरदरा टाइप का बनाना पड़ेगा। मैं अपने घर में जाती हूँ ना तब मैं इसको बना के यूज़ कर लेती हूँ, बाकी तो मैं यहाँ पे रहती हूँ तो यूज़ नहीं करती हूँ। और इसमें ये देखिए ऐसा कूट लीजिए,
इसमें ये वाला नारियल तेल जो है मैंने तमिलनाडु से मंगाया हुआ है, ये शुद्ध नारियल तेल है। 1-2 लीटर ऐसे ले आते हैं अपन, दूसरे बॉटल में मंगवा लेते हैं एक्चुअली। तो ये वाला बिल्कुल ही वो आपका क्या बोलते हैं जो खाने में यूज़ करते हैं नारियल तेल, तमिलनाडु में आपको पता होगा शायद कि वहाँ खाने में नारियल तेल यूज़ होता है, वो जो खाना बनाते हैं ना वो सब नारियल तेल में बनाते हैं। तो ये वही वाला नारियल तेल है, मेरे यहाँ 1-2 लीटर अंकल आते हैं तो ले आते हैं, तो उसी में। तो इसको अच्छे से आप नारियल तेल में इसको मिक्स कर लीजिए और उसके बाद फिर इसको आप गैस पर रख दीजिए, बिल्कुल स्लो हीट पर रखिएगा, एकदम हल्के से हीट पर इसको पकाएंगे और जब ये ऐसा हो जाएगा तो इसको आप गैस से उतार लेंगे। और ये मैंने गैस से उतार लिया है, मैं गैस वाला वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे बहू ने ऐसा तैयार किया था, हमारे यहाँ जो छोटी बहू है उसने, सॉरी मझली बहू ने बनाया होगा। ये हमारा बाबू है जिसके बारे में मैं आपको बताते रहती हूँ, ये हमारी छोटी बहू का बेटा है। तो ये हेयर ऑयल देखिए बिल्कुल इस तरीके से ये आपका कलर आएगा और इतना अच्छा है, इतना बेनिफिशियल है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मतलब मैं 1-2 बार यूज़ करके ना समझ गई कि काफ़ी अच्छा काम करता है, बट मैं घर से बहुत दूर रहती हूँ और पॉसिबल नहीं है कि मैं हर हफ्ते जाऊँ या हर महीने, मतलब बहुत जाती हूँ बट बहुत कम जाती हूँ, तो फिर कंटिन्यू यूज़ नहीं कर पाती हूँ। दोस्तों अगर आपके लिए पॉसिबल है तो कंटिन्यू यूज़ करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।